और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का 12th चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए पूरा का डिस्कशन जो है स्टूडेंट्स वो होगा अपनी एनसीईआरटी के बेस पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए तो व्हाट यू सी इन हियर, यू सी हियर द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, 11th चैप्टर है, पूरा का पूरा इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इस बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो नाम को जोड़ के बनाया गया है। एक टर्म तो हो गया अपना बायोलॉजी, ठीक है, वन ऑफ द टर्म इज बायोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी। दो नाम को जोड़ करके हमने बनाया है बायोटेक्नोलॉजी। तो जब आप ये वर्ड पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए कि एक तो लिविंग वर्ल्ड और दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोले तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ऐसे मेथड्स यूज कर रहे हैं जिसके वजह से जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है या बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसको और ग्रो करवा सके हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें करते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड नो, यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके वी आर डेवलपिंग बायोथेरेपेटिक्स, हम लोग दवाइयां बना रहे हैं, हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिससे हम लोग अपने आप को ट्रीट कर सके, हम लोग नए नए डेवलपमेंट्स बना रहे हैं, हम ऐसे डायग्नोस्टिक किट्स बना रहे हैं जिसको यूज करके हम बीमारियों को डिटेक्ट कर सके, उनका इलाज कर सके। ठीक है, अब ये सब करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होती है, मुझे जरूरत होती है माइक्रोब्स की। मैं फंजाई यूज कर सकता हूं या तो आई कैन टेक इन टू यूज द प्लांट्स और द एनिमल्स। ठीक है, जब इन सब का यूज किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऐसे मेथड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी मैनकाइंड के लिए यूजफुल होंगे, वो सबके साथ होंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जब मैं बोलता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी को मैं यूज करूंगा तो उसको यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो आई कैन टेक इन टू कंसिडरेशन वेन आई वुड टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, आई वुड डिस्क्राइब अबाउट थेरापियोटिक्स, दवाइयां बनाऊंगा मैं, आई वुड डेवलप डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे मेथड्स बनाएंगे जिनको यूज करके हम बीमारियों को डिटेक्ट कर सके। जैसे देखिए अभी कोविड है आपके पास में, कोविड का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट है कोविड का नहीं ना, कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बट उसके लिए जो दवाइयां दे रहे हैं हम लोग, फ्लेविपिराविर जो दिया जा रहा है, विटामिन सी दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, तो वो सब बन कहां से रहा है, वो इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को यूज करके ही बनाया जा रहा है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग आरटीपीसीआर कर रहे हैं, हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, वो सब भी किसकी वजह से डेवलप हुआ है, वो सब डेवलप हुआ है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा, वी कैन प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स जिनके जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर दिया गया होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डेवलप प्रोसेस्ड फूड, ये जो चीज वगैरह आप खाते हो, जो योगर्ट खाते हो, इवन दैट हैज कम फ्रॉम दिस ओनली। बायो रेमेडिएशन है, जहां पे पोल्यूशन वगैरह होता है उसको घटाने के लिए वी कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेस्ट ट्रीटमेंट, एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया गया है जहां पर हमने माइक्रोब्स का यूजफुलनेस देखा है, उसके अंदर हमारे पास आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो उधर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, तो कोई भी व्यक्ति अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ता है तो ही कैन टेक इन कंसिडरेशन तीन एरियाज ऑफ रिसर्च। वो थ्री एरिया ऑफ रिसर्च क्या है वो समझाऊं, उससे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए आपकी बॉडी है, ठीक है, एंड योर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस कंडीशन, आई मीन दिस हॉर्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाती है। अब अगर आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है तो आपको एक कंडीशन हो जाएगी, आपको एक बीमारी हो जाएगी, आपको एक डिफेक्ट हो जाएगा, क्या बोलोगे आप, डायबिटीज। ठीक है, अब इंसुलिन ना बनने के वजह से आपको हो रही है डायबिटीज। ठीक, तो इस इंसुलिन का हमें क्या करना है, जुगाड़ करना है, वी नीड टू समहाउ और द अदर गेट दिस इंसुलिन प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पकड़ता हूं इकोलाई को, मैं पकड़ता हूं क्या, इकोलाई को। ये इकोलाई जो था उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दूंगा जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन।
ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा था, जब इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन चले गए तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन, ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, डू आई वॉन्ट दिस इंसुलिन इन अ स्मॉल अमाउंट और आई वॉन्ट इट टू बी इन ह्यूज अमाउंट, आई वॉन्ट इट टू बी इन बल्क क्वांटिटी। हम क्या चाहेंगे, वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिले। तो जब मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा क्वांटिटी में आए तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू प्रोवाइड दिस इकोलाइज ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस इंसुलिन, आई मीन दिस इकोलाइज द ऑप्टिमम कंडीशंस। नाउ व्हाट विल बी द ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस होते क्या है, ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब ऐसा माहौल देना, ऐसा एनवायरमेंट देना जहां पर हमारा इकोलाई जो था या फिर जो भी हमारा माइक्रोब है वो सबसे एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाए। इट वर्क्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म एकदम एफिशिएंट होकर के काम करेगा, उस कंडीशन को कहा जाएगा ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। तो मैंने ऑप्टिमम कंडीशन दी तो मैंने देखा जो इकोलाई था वो बहुत अच्छे से मेरा जो डिजायर्ड एंजाइम था वो बना रहा था, और फाइनली जब ये एंजाइम बनके तैयार हो गया, ठीक है, जो मैं चाह रहा था कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में, चाह रहा था बल्क में, ग्रेटर क्वांटिटी में चाह रहा था, मैं चाहता कि वो ज्यादा मिले मुझे। तो उस केस में जब मुझे वो ज्यादा एंजाइम या हार्मोन या जो भी चीज है, यहां पर इंसुलिन है, जब मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जब मैं उसे एक्सट्रैक्ट करना चालू करूंगा तो आई वुड वांट कि आज जब मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो आई वुड वांट एक प्रोसेस जिसका नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बच्चों ये तीन चीजें जो है यहां पे ध्यान रख के रखनी है हमको, क्या क्या ध्यान रख के रखना है, सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा रहे हैं या डिजायर्ड माइक्रोब भी बना सकते थे इंजीनियरिंग करके, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ठीक है। फिर हम उसको क्या दे रहे थे, हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे ऑप्टिमम कंडीशंस, और लास्टली हमने क्या किया, लास्ट में हमने दिया इसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जहां पर हमने क्या किया, जो हमारा जीन जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट था, वो हमने क्या करवा लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया सिस्टम में से, ठीक है। तो ये जो है, ये है तीन क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन से हैं, सबसे पहला है प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ठीक है, पहला एरिया तो ये हो गया। व्हाट विल बी द सेकंड एरिया, इट वुड बी क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग ऑफ अ कैटलिस्ट एंड टू एक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करना, और थर्ड वाला क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा तरीका अपनाना जिसके मदद से हमारा जो माइक्रोब है वो अपने द्वारा प्रोड्यूस करे हुए एंजाइम्स या हॉर्मोन्स या जो भी बायोमोलिक्यूल्स थे उसको वो रिलीज कर दे और हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये तीन जो थे, ये तीन थे क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से यूजफुल हो सकती है, ठीक है। अब देखो, मान लो हम किसान हैं, ठीक है, हम किसान हैं, और एक किसान जो है उसके पास ये जमीन है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जमीन लेकर के चल रहा है, और इस जमीन में वो क्या ऐसा कर सकता है कि उसकी जो यील्ड है, जो फसल उसके पास बना रहा है, वो इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, इस रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ जमीन में ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, वो ज्यादा क्रॉप कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो ही कैन टेक इंटू कंसिडरेशन थ्री अप्रोच। सबसे पहला तो वो क्या कर सकता था, सबसे पहले वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज कर सकता था, मतलब वो दुनिया भर के फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता था, वो दुनिया भर के इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकता था, जिसके वजह से अगर फर्टिलाइजर यूज किया है तो यील्ड बढ़ेगी, ठीक है, अगर उसने पेस्टिसाइड डाला है तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, उससे भी जो पेड़ पौधे थे उसको नुकसान नहीं होगा, तो अल्टीमेटली किसान को फायदा ही होना है। सेकेंड अप्रोच वो क्या कर सकता था, वो यूज कर सकता था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर,
देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वी सीम टू यूज द मेथड्स विच आर कॉल्ड एज होलिस्टिक मेथड्स. यहां पर कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है. नेचुरल तरीके से प्लांट को ग्रो करने दिया जाता है और उसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको एक्सपोज किया जाता है, इनफैक्ट एक्सप्लॉइट किया जाता है इनफैक्ट. और जो तीसरा तरीका है दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, पिछली बार बताया था क्या, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप ऐसे फसल होते हैं जिसके अंदर हमने उस प्लांट की जेनेटिक्स को क्या कर दिया होता है, चेंज कर दिया होता है, ठीक है. तो हम दो चीजों पे ध्यान देंगे. पहले तो एक तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है. सबसे पहला कौन सा था, पॉइंट नंबर वन था प्रोवाइडिंग द कैटलिस्ट, सेकेंड था प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब या फिर एंजाइम, सेम क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस, और थर्ड क्या था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग था, ठीक है. फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, और तीसरा क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है, ठीक है. चलो अब थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे. यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्या बनता है, द ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसमें क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, उस समय हमारी आबादी कुछ 33 करोड़ के आसपास थी. अभी वी वर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33 to 34 करोड. नाउ द पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 130 करोड़. पॉपुलेशन बड़ी है तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो भी चेंज हुई, उसके भी अंदर बहुत बदलाव आया. तो वो जो बदलाव आया उसकी वजह से हुआ ये कि जो प्रोड्यूसिंग एबिलिटी थी हमारी, जो प्रोड्यूस हम कर रहे थे क्रॉप, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ी, बट इतनी नहीं बढ़ पाई कि सबका पेट भरे, ठीक है. तो वो जिसकी वजह से हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ने लगी, वो पूरा जो फिनोमिना था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन. और इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो थे उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन. ही इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दरमियान क्या हुआ, द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग फूड सप्लाई, बट इट वॉज नॉट इन टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है. जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो तीन गुना बढ़ गया, बट इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद जो न्यूट्रिशन हमको देना था, जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, उतनी हम मीट नहीं कर पाए, ठीक है. अब ये जो इंप्रूवमेंट आया क्रॉप की यील्ड में वो किस चीजों की वजह से आया, तो फर्स्टली इट केम ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज. हम ऐसी वेराइटी ऑफ क्रॉप यूज कर रहे थे जो पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सुपीरियर थी, और दूसरा वो था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रीकेमिकल्स, ठीक है. हमने क्या करना चालू किया, वी स्टार्टेड टू गेट इनटू द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है. पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग बरसात पे डिपेंडेंट होते थे पानी के लिए, बट नाउ वी सी हमने इरिगेशन मेथड डेवलप कर ली है, ठीक है. पहले सीजनल क्रॉप्स बनते थे, बट अब हमने क्या किया, हमने ग्रीन हाउस डेवलप कर लिए जहां पे हम हमारे अकॉर्डिंगली जो प्लांट है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. तो होता यह है इन सब प्रैक्टिसेस की वजह से हमारी जो क्रॉप है वो ज्यादा ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. और लास्टली फर्टिलाइजर तो है ही, तो यूज ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रोकेमिकल्स है वो तो रहने वाला ही है, ठीक है. अब यह सब हो रहा था डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर जहां पे खेती को बड़ा सीरियसली लिया जाता है और वहां पर खेतों को जो किसान होते हैं उनको प्रमोट भी किया जाता है. बट कंट्री लाइक आर्स, द सदर्न ईस्ट पार्ट, ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, इधर हम देख रहे हैं क्या कि एक तो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दो इंडिया इज कॉल्ड एज अ एग्रीकल्चरल लाइक कृषि प्रधान देश, बट उसके बावजूद किसानों को उतना रिस्पॉन्सिबल उतना रिस्पॉन्स या उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, ठीक है. उसी की वजह से हम देखते हैं इंस्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड दे डोंट गेट इनफ ऑफ द मनी. अब उनके पास पैसे नहीं है तो दिक्कत क्या हो जाती है, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर करनी हो तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इरिगेशन करना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, पर खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है. आप चाहते हो कि भैया पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा फसल ज्यादा प्रोड्यूस करवानी है तो खाद ज्यादा डालना पड़ेगा, वो खाद खरीदने के भी तो पैसे नहीं है ना सर, तभी तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना.
तो ये सब चीज को जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके किसानों की अपनी ही समस्या है। उनकी समस्या क्या है? पहली समस्या तो है कि जो एग्रोकेमिकल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो वो यूज नहीं किए जा सकते। और दूसरे जो हैं, फर्दर इंक्रीजेस इन द यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, अगर हम सोचे कि ब्रीडिंग कर ली जाए कि भैया हमारे पास एक खेत में गेहूं लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसकी वैरायटी को इंप्रूव किया जाए और उसकी उसकी रेगुलर तरीके से ब्रीडिंग करके मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो जो रेगुलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो जो व्हाट डू आई से एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनका काम होता है किसानों को ट्रेनिंग देना, बट फॉर सम रीजन वो चीज उतना सक्सेसफुली हो नहीं पाता है। तो वहां पर भी हमें 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 देखना पड़ता है कि हम दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंपीट नहीं कर पाते इस बात को लेकर के। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या करने लगे हम लोग, जो जेनेटिस्ट थे हमारे, उन्होंने सोचा कि इतनी समस्या हो रही है किसानों को, तो हम क्या करते हैं, एक नया तरीका डेवलप करते हैं, एक नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और ये प्रोडक्ट जो इन्होंने डेवलप करी उसका नाम था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ, अब जीएमओ के अंदर हर वो चीज हो सकती है जो लिविंग है, एक प्लांट, एक एनिमल, एक फंजाई, एक बैक्टीरिया, हर वो चीज जिसके जेनेटिक्स को चेंज कर दिया गया हो, मैनिपुलेट कर दिया गया हो, ठीक है, जिसके जिसके जीन्स को हमने क्या कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसे कहा जाएगा क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं तो हमारा क्या क्या इंटेंशन होना चाहिए, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के पास कौन कौन से गुण हो सकते हैं या कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहला फीचर जो होना चाहिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के पास में, अगर मैं प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो, ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी मेड मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हमारे प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आपको पता है कि अगर प्लांट को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर दोगे तब भी उसको समस्या है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तब भी समस्या है। उसको पानी का जो है वो भी ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी देंगे तो रॉ जो जो हमारी रूट है वो सड़ जाएंगी, रूट रॉट हो जाएगा, कम पानी दोगे तो सूख के मर जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दीजिए तब भी प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी प्लांट की वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी जो इस चीज को ओवरकम कर सके, जो ये कभी टेम्परेचर लो हुआ, कोल्ड टेम्परेचर मिला तो उसको सर्वाइव कर सके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे भी सर्वाइव कर सके। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स में बदलाव होता है उनको टॉलरेट करने वाला प्लांट में डेवलप कर सकता हूं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड, हम देखते हैं क्या कि हमारे पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो इससे बचने के लिए अपनी फसल के ऊपर छाटते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कितना बेहतर हो कि हमको वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्लांट के ऊपर ना डालना पड़े, प्लांट खुद ही उन कीड़ों को मार दे। ठीक है, तो हमें ऐसा प्लांट डेवलप करना है इस प्रोसेस को यूज करके कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम कर सके। ठीक है, इसके बारे में एक टॉपिक भी है बुक में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तीसरा आता है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब मानो आप किसान हो, आपने आपकी फसल काट के जो सरकारी मंडी थी वहां पर बेच दी। ठीक है, अब होता यह है कि फसल कटाई के बाद में जहां पे वो सरकारी मंडी में वो पड़ा रहता है फसल हमारा, यू डू नॉट नो हाउ लॉन्गर इट विल बी देयर, वो वहां पर कितने समय तक सर्वाइव करने वाला है, कितने समय तक वहां पर पड़ा रहेगा। तो जब हम फसल को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, जब हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, तो हम इस चीज को भी ध्यान में रख के रखेंगे कि ये ज्यादा समय तक वायबल रहे, ज्यादा समय तक उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा हो, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट था, जो भी हमारा ग्रेन्स थे या पल्सेस थी या जो भी हमारा प्लांट का प्रोडक्ट था वो खराब ना हो। ठीक है, आप आए दिन न्यूज में देखते हो कि बहुत बहुत बड़े हद पे अनाज जो है वो बरसात के कारण सड़ के खराब हो जाता है। चौथा पॉइंट हमें ध्यान में रख के रखना है कि इट शुड हैव इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब पानी अब्सॉर्ब करते हैं तो सॉइल में से मिनरल्स को भी ये लोग अब्सॉर्ब करते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रख के रखना है कि ये जो प्लांट्स हैं
इनके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि सॉइल में से मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और जब एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको यूटिलाइज भी कर सके। तो आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम होता है Mg, इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इन फैक्ट, ठीक है। वैसे आयरन जो है वो फेरोडॉक्सिन के अंदर आता है, साइटोक्रोम के अंदर आएगा। तो ये सब चीजें क्या है, अगर हमारा प्लांट इनको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा तो उसका जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा समय तक हमारा प्लांट हमको यूजफुल प्रोडक्ट देता रहेगा। और लास्टली इट मस्ट हैव एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो जो भी खाना हम, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप से, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी तो क्या होगा, उसका जो पैसा है किसान को वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इन एडिशन टू दिस यूजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव sources to industries in the form of starch, fuels and pharmaceutical. अब खाने पीने तक तो हम लोग हमारे प्लांट को यूज कर ही रहे थे, बट उसके अलावा हमने क्या देखा, जो हमारे प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज और भी बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे कि मेडिसिन बनाने में उसका काम लग जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अब जब वो मंचूरियन वगैरह खाते हो, बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट खाते हो, तो उसके अंदर वो लोग कॉर्न स्टार्च डालते हैं, जिसके वजह से आपका जो मंचूरियन का जो लिक्विड होता है, ग्रेवी जो होती है, वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ठीक है। उसी के तरीके से आपने जब नए शर्ट खरीदे होंगे तो आप देखते हो कि वो बहुत कड़क होते हैं, तो कड़क क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर स्टार्च का कोट करा हुआ, उसके ऊपर स्टार्च डाला गया, तो कपड़ा जो है काफी मजबूत हो जाता है, उसकी क्रीज बहुत अच्छी पड़ती है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, प्लांट को हम अलग अलग तरीके से यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब मेन चीज आ रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काम का है, 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क का बन सकता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनने के बहुत बहुत चांसेस है, बहुत बार पूछा भी गया है इस बारे में, ठीक है। चलो देखो, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू वुड स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसको डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जहां पे हमने क्या किया है, हमने प्रोड्यूस किया है ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट की बात नहीं करते, पेस्ट की बात करते हैं बेसिकली, वो क्या करता है, वो पेस्ट को मार सकता है। अगर पेस्ट प्लांट अपने आप ही मारने लग जाएगा, अगर प्लांट जो है पेस्ट को अपने आप ही मारने लग जाएगा, तो क्या आपको पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो उससे 2 लेवल पे फायदा होता है, एक तो जो किसान है उसका पेस्टिसाइड का पैसा बच गया, मैं मारवाड़ी हूं तो हम मॉनिटरी टर्म्स में ज्यादा बात करते हैं, और दूसरा आप अगर कंज्यूमर हो तो आपको वो केमिकल लेडन फूड नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का फायदा है, एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। तो हम उसके लिए जाते हैं एक बैक्टीरिया के पास में, ये एक बैक्टीरिया, वी गो टू दिस बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिनस। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज नेम इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस। तो आई गो टू दिस बैक्टीरिया एंड आई टेल हिम कि भाई साहब आप तो बहुत महान हो यार, कुछ ज्ञान दो हमको। तो ये बैक्टीरिया क्या बोलता है, देख ज्ञान की बात मत कर, सीधा सीधा पता क्यों आया तू मेरे पास। तो आई टेल हिम कि सर आप क्या करते हो, आप एक टॉक्सिन बनाते हो जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। आपका नाम क्या है, आप जो चीज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो जो काम की चीज आप बना रहे हो, वो क्या है, वो है बीटी टॉक्सिन। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप ये बीटी टॉक्सिन कैसे बनाते हो। तो ये जो बैसिलस था, ये मुझे क्या बोलता है कि देख मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर एक जीन है, तो ये बैसिलस, जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस जिसको तू बोल रहा है, वो टॉक्सिन बनाता है, बीटी टॉक्सिन बनाता है ये जीन बेसिकली, ठीक है। तो मैं इस बीटी टॉक्सिन के बारे में जब बात कर रहा हूं, तो इससे फायदा क्या होता है, ये बीटी टॉक्सिन के पास एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी क्या है, ये किल कर सकता है पेस्ट को, इट किल्स पेस्ट, ठीक है। अब मैं तो यार, मैं तो मारवाड़ी आदमी था, मैं क्या करने लगा, मैं तुरंत सोचने लगा यार, इस जीन की जो ये बीटी बात कर रहा है, जो बैसिलस बात कर रहा है, क्यों मैं इस जीन को निकालूं और मैं इसको निकाल के किसी प्लांट के अंदर डाल दूं, और ये प्लांट के अंदर चला जाएगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो मैं देखूंगा क्या वो जितने भी पेस्ट इस प्लांट को खाएंगे, इस पत्ते को खाएंगे, वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे, और अगर मैं किसान था तो मेरा तो फायदा हो जाएगा, मेरा तो पेस्टिसाइड का पैसा बचेगा भाई,
ठीक है। तो इस चीज को मैं खाली सोचता रह गया और लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीजें बनानी चालू की, प्लांट्स के अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया। कौन कौन से प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था बीटी टॉक्सिन में, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो एंड सोयाबीन, ठीक है। बीटी कॉटन, कॉटन के अंदर अगर आपने बैसिलस थुरिंजिनेसिस टॉक्सिन डाल दिया, बीटी टॉक्सिन डाल दिया, तो वो बीटी कॉटन बन जाएगा। उसी तरीके से कॉर्न के अंदर डाल दिया तो वो बीटी कॉर्न बन जाएगा। राइस में डाला तो बीटी राइस, टोमेटो में बीटी राइस, बीटी पोटेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी बीटी करते जाओ, ठीक है। बट ध्यान रख के रखना है क्या, अब की जो थियरी आ रही है, अब बेटा ये पॉइंट बहुत काम का है ना, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, तो आई विल ट्राई टू सीक दिस थिंग कि भैया कैसे किया जाए इसको सही तरीके से और क्या समझाया जाए आपको, ठीक है। चलो मेरी बात मानो, अभी आप आओ वापस यहां पे मुद्दे पर। बीटी कॉटन पर हूं मैं, बीटी कॉटन पर हूं मैं, और बीटी कॉटन जो है उसमें क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं क्या, सम ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स एज लिप्टोप्टेरिन, जिसके एग्जाम्पल है टेको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। Then we have coleopterans, जिनके एग्जाम्पल है beetles, और dipterans, जिनके examples है fly और mosquitoes। तो सबसे पहली चीज क्या करिए, अगर आप NCERT लेकर के बैठे तो आप इस चीज का, ये जो इंसेक्ट है इनके लिख लो फटाफट। लिपिडोप्टेरिन जो है वो, लिपिडोप्टेरिन के examples क्या है, लिपिडोप्टेरिन के examples हैं टोबेको बर्डवॉर्म, तो आई सिंपली राइट बर्डवॉर्म। और दूसरा जो है वो कौन है, वो है आर्मी वॉर्म। जस्ट अ मिनट, दैट इज अ आर्मी वॉर्म। देन सेकेंड जो होगा वो है कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन। कोलियोप्टेरेंस के एग्जाम्पल में कौन आएगा, बीटल आएंगे। और तीसरा जो है उसका एग्जाम्पल कौन है, डिप्टेरॉन्स। और डिप्टेरॉन्स के एग्जाम्पल में हमारी जो मक्खियां होती हैं, फ्लाइज और मस्कीटोस। जस्ट मिनट, या फ्लाइज एंड मस्कीटोज। तो अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो प्योरली और प्योरली एनसीईआरटी लेवल पर है, ठीक है। अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो प्योरली एनसीईआरटी लेवल पर है। जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम इसी चीज को क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग वापस थोड़ा सा नीट लेवल पे जाकर के देखेंगे, ठीक है। अभी बात हो रही है सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल की, और एनसीईआरटी लेवल करवाना इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर में से वो एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना जो बेसिक है वो क्लियर कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो बैसिलस था, ये जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस था, वो क्या करता था, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, और ये टॉक्सिन जो था, इस टॉक्सिन का नाम था बीटी टॉक्सिन, ठीक है। इस टॉक्सिन का नाम क्या था, बीटी टॉक्सिन। और ये बीटी टॉक्सिन इन तीन प्रकार के इंसेक्ट पर एक्ट करता था, लिपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन्स के ऊपर, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ चुकी थी। और ये जो टॉक्सिन था ये इंसेक्टिसाइडल नेचर था, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के ऊपर काम करेगा, सभी इंसेक्ट के ऊपर नहीं काम करेगा बच्चों, ठीक है। इट विल नॉट किल ऑल द इंसेक्ट्स, इट विल एक्ट ऑन ओनली थ्री ऑफ देम, लिपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरॉन एंड डिप्टेरॉन, राइट। चलो अब ये जो टॉक्सिन बनाया किसने, बैसिलस ने, ये टॉक्सिन कौन से फॉर्म में होता है, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल, ठीक है। जो बैसिलस बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, वो अपनी लाइफ साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेज में क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है प्रोटीन के इनएक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। कौन से फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब आप इस इनएक्टिव क्रिस्टल, प्रोटीन के क्रिस्टल को प्रोवाइड करते हो अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। जब इसे प्रोवाइड किया जाता है कौन सा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, तब हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट जाता है कौन से फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये अपना असर दिखाना चालू करेगा। इसका असर क्या होगा, इसका असर होगा, इट विल रिजल्ट इनटू द किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो गया है, पर कब, जब अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तब। तो मानो ये हमारी लीफ थी, ठीक है, ये हमारे पास लीफ आ रही है, ओके। और इस लीफ के अंदर ये जो भी प्लांट था, वो प्लांट बी
टी के द्वारा रिकॉम्बाइन किया गया, मॉडिफाई किया हुआ। इस प्लांट को कंज्यूम करता है ये एक इंसेक्ट, एंड मान लेते हैं ये जो इंसेक्ट रहा होगा, ये इंसेक्ट रहा होगा उन तीन ग्रुप का, लिपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन और डिप्टेरॉन का, ठीक है। तो जब 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 ये इंसेक्ट इस लीफ को खाएगा तो होगा क्या, इस लीफ के अंदर का जो बीटी था वो इस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा, और ये बीटी फॉर टाइम बीइंग इनएक्टिव है, इट इज इन द क्रिस्टल फॉर्म, इनएक्टिव है और क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है। अब इंसेक्ट के अंदर वो पहुंचेगा कहां पर, जब उसे खाएगा तो ये पहुंचेगा इंसेक्ट की गट के अंदर। इंसेक्ट की गट के अंदर आप देखते हो कौन सा दिखता है, अल्कलाइन एनवायरमेंट होता है। इंसेक्ट की गट के अंदर अल्कलाइन एनवायरमेंट होता है, और हमें यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही एक क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म वाला अल्कलाइन मीडियम में जाएगा, स्टूडेंट्स व्हाट विल बी फाइंड, इट विल टर्न एक्टिव, ओके, इट विल टर्न एक्टिव, एंड व्हेन इट टर्न्स एक्टिव व्हाट विल बी फाइंड, वी विल फाइंड कि ये पहली चीज तो क्या होगा, सोल्यूबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्यूबलाइज जैसे ही होगा वैसे ही हम देखेंगे गट के ऊपर क्या होती है, यहां पर होती है एपिथीलियम, मिडगट एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है इनको। तो जैसे ये सोल्यूबलाइज होगा, व्हाट इट डू इज अपॉन सोल्यूबलाइजेशन इट विल बाइंड टू व्हाट, मिडगट एपिथीलियम, वो मिडगट एपिथीलियम से बाइंड करेगा, और मिडगट एपिथीलियम से बाइंड होते ही वहां पर ये छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्मॉल पोर्स ऑन द गट, ऑन द लाइनिंग ऑफ द गट, ठीक है, और यहां पर पोर्स बनने लगेंगे, ठीक है, पोर्स बनेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, जो सेल्स थे वो स्वेल होंगे, उनके अंदर सूजन चली जाएगी, और अल्टीमेटली आई वुड फाइंड दैट द इंसेक्ट, उसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी बच्चों। चलो, तो यहां पर मैंने क्या समझा, दैट बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इंटू व्हाट फॉर्म, इट इज कन्वर्टेड इंटू एक्टिव फॉर्म, एंड दिस इज ड्यू टू द अल्कलाइन पेज ऑफ द गट सोल्यूबलाइजेस द क्रिस्टल। अब जब सोल्यूबलाइज होंगे तो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन थे हमारे, वो क्या करेंगे, दे विल बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथीलियम, जैसे मैंने आपको बताया, और जैसे बाइंडिंग होंगे व्हाट विल डू, इट विल क्रिएट पोर्स दैट कैन कॉज द स्वेलिंग एंड लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। अब देखो, कोई मरेगा तो क्या करते हैं लोग, जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, अगर कोई मरता है तो क्या करते हैं सब लोग, रोते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन मार रहा था इंसेक्ट को, तो वो जीन जो ये बीटी टॉक्सिन के लिए कोड कर रहे थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनका नाम था क्राई जीन। तीन प्रकार के क्राई जीन है हमारे पास, क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AB, ठीक है। वी विल हैव थ्री टाइप्स ऑफ जीन्स, क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB, ठीक है। ये लोग अलग अलग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा जीन आपको यूज करना है वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे, इट विल डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। आप जो भी जीन इंसर्ट करना चाहते हो आपके प्लांट के अंदर, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। फर्स्टली तो वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के, हमारा जो टारगेट प्लांट है उस पर, और सेकेंडली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है हमारे जो टारगेटेड पेस्टिसाइड है, पेस्ट है उसके ऊपर, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो आप जब क्राई 1AC और क्राई 2AB डालोगे किसी प्लांट में, तो वो किसको किल करेगा, वो किल करेगा कॉटन बुलवॉर्म को, और जब आप क्राई 1AB डालोगे तो वो किल करेगा कॉटन बोरर को, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों, यहां पर
अभी जो मैंने आपको बताया ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो थियरी है बीटी कॉटन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 or 3 marks एंड वट एवर इज बीइंग हाईलाइटेड इन द येलो कलर दैट वुड डेफिनेटली बी एंड इफ नॉट इन दिस एग्जाम वो एक्चुअली पास्ट में पूछे गए हैं, ठीक है, और एक दो बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ाने का रीजन यही है कि इस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब एक चीज समझो, तुमने 6th चैप्टर पढ़ा, तुमने पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तुमको यह पता है कि मेरे पास एक सर्टन प्रोटीन आता है, ठीक है, आई एम हैविंग अ सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन, और सिंथेसिस दिस प्रोटीन व्हाट डू आई नीड, मुझे प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मुझे प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं क्या आरएनए, और आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होता है मुझे, आरएनए बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती थी उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग बोलते थे रेप्लिकेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती थी उसको हम लोग बोलते थे ट्रांसलेशन। तो आई सिंपली राइट इट डाउन रेप्लिकेशन, और यहां पर आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो अभी मैं मेरा एम्फोसिस जो है, जो मेरा ध्यान है वो मैं लेके जाता हूं इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पर। मैं ट्रांसलेशन की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आई हैव आरएनए, व्हाट टाइप ऑफ आरएनए विल बी दिस, दिस विल बी एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, और व्हाट टाइप ऑफ आरएनए विल इट बी, दिस विल बी एमआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए करना चाहता है, ये एमआरएनए चाहता है बनाना एक प्रोटीन, ठीक है। अब इस एमआरएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा राइबोसोम के पास में, इसको जाना पड़ेगा किसके पास में, राइबोसोम के पास में, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम इज द साइट जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जहां पे प्रोटीन बनते हैं, और हमको यह भी पता है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं भाई, तो ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट बन गए, और ये 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर किसको अकोमोडेट करना है, मुझे मुझे अकोमोडेट करना है हमारे एमआरएनए को। तो लेट मी टेक दिस एमआरएनए हियर, तो दिस वन इज एमआरएनए, मान लेते हैं एमआरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड रह रहा है, ठीक है। आई हैव दिस एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड है ये। अब ये सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए था तो इसके लिए मैं देखूंगा यहां से कहीं से एक आएगा टीआरएनए, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, या आई विल हैव अ टीआरएनए, जो क्या आते हैं, टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या था बेटा, What does a tRNA mean? tRNA means transfer RNA. Okay, tRNA means transfer RNA. So if you are talking about tRNA here, तो हमारे पास यहाँ पर एक tRNA होगा जो क्या करेगा, जो एक एक करके अमाइनो एसिड को लाएगा और यहाँ पर छोड़ता जाएगा, और राइबो अमाइनो एसिड को जोड़ते हुए एक लंबी सी चेन बनाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड, बेसिकली एक प्रोटीन बनके सिंथेसाइज होगा। बट ये सब केवल तब होगा, दिस वुड ऑल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ यू हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए गोइंग टू द राइबोसोम। अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए नहीं रहता तो आप देखते कि ये पूरे की पूरी जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं वो हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा होता कि जैसे मैंने यहां आपको समझाया कि सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए पहुंचा राइबोसोम पर, अगर वहां पर ये एमआरएनए जो था ये बाउंड होता, डबल स्ट्रैंड बना के बैठा होता, तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती, प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती उस केस में, उस केस में हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये सब जो मैंने समझाया, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, ये एमआरएनए का काम क्या था, एमआरएनए का काम था प्रोटीन बनाना, बट अब क्योंकि यहां पर ये नया जो स्ट्रैंड था, ये नई जो सीक्वेंस था, ये आके इधर बाइंड हो चुका है, चिपक चुका है, तो हम देखेंगे क्या कि हम देखेंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाएगा नहीं, जो आरएनए था वो अपना फंक्शन कर पाएगा नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। सही बात है बेटा ये। चलो अब देखो, हमारे पास एक नेमाटोड होता है, नेमाटोड का मतलब क्या होता है भाई,
नेमेटोड मतलब क्या होता है? नेमेटोड इज अ टाइप ऑफ वॉर्म, एक वॉर्म है वो। इसमें से नेमेटोड आपने, अगर आपको आपको याद हो तो आपके पास वॉर्म के लिए दो फाइलम आए थे 11th स्टैंडर्ड में, एक आपके पास में आया प्लेटीहेलमिंथस और दूसरा आया था आपके पास में एस्चेरिस, जिसमें से एक को आप फ्लैट वॉर्म बोलते थे और एक को आप राउंड वॉर्म बोलते थे। अगर आप लोग ऑनलाइन हो और आपको याद है कि वो राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म क्या थे, तो उसका जवाब जरा कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब आई हैव अ नेमेटोड बाय द नेम ऑफ मेलोडीजीन इनकॉग्निशिया। मेलोडीजीन इनकॉग्निशिया करके एक नेमेटोड होता है, ठीक है। तो अरे समर्थ तुम भी हो क्या भाई साहब? गुड 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 समर्थ, गुड। ओके, हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, नेमाटोड होता है, जिसका नाम है मेलोडीजीन इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबेको प्लांट। मतलब अगर आप रजनीगंधा, आप विमल, आप तुलसी, इन सब चीजों से फेमिलियर हो तो ये टोबेको प्लांट आपके बहुत काम का है। तो ये टोबेको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसकी रूट को इन्फेक्ट करता है, और उसके इन्फेक्शन से क्या होता है, उसके इन्फेक्शन से जो प्लांट है उसकी जो प्रोडक्शन है वो घट जाती है। जो तंबाकू वो बनाता है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? घट जाती है। तो अ नोवल स्ट्रेटेजी वॉज अडेप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। अब हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हमारा जो प्लांट है वो इस मेलोडीजीन इनकॉग्निशिया से इन्फेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने अडेप्ट एक प्रोसेस जिसका नाम था आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए इंटरफेरेंस। अभी जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस में बेसिकली हम लोग करते क्या है ना, हम लोग एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को किसी चीज के साथ में जोड़ देते हैं, डबल स्ट्रैंड बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर यह प्रोसेस देखी जाती है आरएनए इंटरफेरेंस की। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए व्हिच इज इट डज द साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए। हमने क्या करना है, हमने एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जो था उसके साथ में किसी दूसरे एक स्ट्रैंड को जोड़ देना है और जो फंक्शनिंग थी एमआरएनए की उसको क्या कर देना है, रोक देना है। तुम समझ लो यार, एक बच्चा है, वो बच्चा बैठ के किसी कोने कोपचे में रो रहा है, बिना मतलब का रो रहा है। तुमने क्या करा, तुमने एक लॉलीपॉप ली और उसको दे दी, वो बच्चा लॉलीपॉप अपने मुंह में डाल के बैठ जाता है और उसने जो रोना धोना था वो बंद कर दिया, चुपचाप होके बैठ गया। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने देखा यहां पे मेरे पास एमआरएनए था जो अपने आपको ट्रांसलेट करने के लिए बेचैन था, बेताब था। हमने क्या करा, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने दूसरे स्ट्रैंड के साथ में जुड़वा दिया और आरएनए की फंक्शनिंग क्या कर दी, हमने डिस्टॉर्ट कर दी, उसको रोक दिया, ठीक है। अब ये जो हम दूसरा जो ये लाए हैं, नया स्ट्रैंड जो हम लाए हैं, ये नया स्ट्रैंड कहां से आ सकता था? ये नया स्ट्रैंड आ सकता था किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की वजह से। तो मानो अगर ये नया जो नया स्ट्रैंड की तुम बात कर रहे हो, नया स्ट्रैंड आना है तो ये दो जगह से आ सकता था, या तो ये आ सकता था किसी वायरस से, या तो आ सकता था ये किसी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से, ठीक है। दो जगह से ये नया जो स्ट्रैंड है वो आ सकता है, ठीक है। यहां पर दो चीज बताऊंगा मैं आपको, समर्थ तुम हो ना, दो समर्थ है एक तो, ओके ठीक है। वायरस जो होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, केवल उसके इंफेक्शन से एमआरएनए को हम साइलेंस कर पाएंगे। तो ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको बोलते हैं रेट्रो वायरस, वी कॉल देम एज रेट्रो वायरस, राइट। तो यहां पर रेट्रो वायरस के इंफेक्शन की वजह से आ सकता था जो हमारा नया स्ट्रैंड है वो, या फिर आ सकता था मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजोन्स, वी कॉल देम एज व्हाट, वी कॉल देम एज ट्रांसपोजोन्स। और ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं इनको हम लोग जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वी नो देम बाय जंपिंग जीन, एंड दिस जंपिंग जीन इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैक्लिंटॉक, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ हिस्ट्री है और कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो, अब इतना
हिसाब अगर तुमको समझ में आ गया है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं क्या कि हमने कैसे किया इस चीज को। ये जो वायरस वगैरह जा रहा था वो नेचुरली हो रहा था, अब हमने आर्टिफिशियली इस प्रोसेस को कैसे फॉलो किया। तो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग विच वॉज कॉल्ड एज एग्रोबैक्टीरियम। देखो एग्रोबैक्टीरियम जो है ये ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। प्लांट के बाद बारे में जब भी बात होगी तो जंपिंग जीन इसलिए बोलते हैं समर्थ, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह स्टेगनेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा होता है वो, जो हर कहीं घूमता रहता है, इसलिए उसको जंपिंग जीन बोलते हैं। जो मेज का प्लांट होता है उसमें से निकाला था उसको, है ना। चलिए, तो एग्रोबैक्टीरियम जो है ये बहुत काम के हैं। प्लांट के अंदर आपको जब भी जीन्स का मैनिपुलेशन करना होता है या जीन्स को ट्रांसलोकेट करना होता है, वेक्टर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन को। 11th चैप्टर में हमने ये डिस्कशन किया था। ठीक है, तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड द एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। अब क्या किया गया है, क्या किया गया बेटा, तो हमने क्या किया था, हमारे पास एक 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 ये प्लांट है हमारा, ये प्लांट है। इस प्लांट के अंदर क्या किया हमने इंट्रोड्यूस करे जीन्स। ठीक है, हमने कौन से जीन्स इंट्रोड्यूस किए, हमने वो जीन्स इंट्रोड्यूस किए जो हम एक्सपेक्ट करते थे। कहेंगे कहां पर, मेलोडी जीन, जस्ट अ मिनट, हाँ, मेलोडी जीन इनकॉग्निशिया के अंदर। ठीक है, तो वो जीन हमने क्या कर दिए, वो जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिए इस प्लांट के अंदर। ठीक है, और किसकी मदद से इंट्रोड्यूस किए, वो इंट्रोड्यूस किए एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। जस्ट अ मिनट, एग्रो, हाँ जी, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से यूज किए, आई मीन इंट्रोड्यूस किए वहां पर हमने। अब जब एग्रोबैक्टीरियम की मदद से उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो इन जीन के अंदर, ठीक है, इन जीन के अंदर हमने क्या रख रखा था, ये जीन क्या होते हैं बताओ, जीन क्या होते हैं, जीन डीएनए के बनते हैं कि आरएनए के बनते हैं, जीन के बनते हैं, डीएनए के बनते हैं। बट जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता, जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता तो क्या बनता, आरएनए। आरएनए जब डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक के पास होता है सेंस स्ट्रैंड और एक होता है उसके पास एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो एक होता है सेंस स्ट्रैंड, एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड आरएनए यहां पर फॉर्म होते थे। ठीक है, तो दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मड अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस एंड द साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। ठीक है, अब हो ऐसा रहा था समर्थ, एक बंदा तो यहां पर समर्थ है और दूसरा कौन है भाई, एक बार प्लीज आपका, अगर आप नए हैं तो प्लीज आपका नाम थोड़ा शेयर कीजिएगा। एक तो समर्थ है और दूसरा कौन है थोड़ा बताइएगा प्लीज। तो अब होगा क्या, ये जो आरएनए फॉर्म हुआ है नया वाला हमारे प्लांट के अंदर, है ना, ये जो नया आरएनए फॉर्म है हमारे प्लांट के अंदर, वो क्या कर लेगा, वो जुड़ेगा किसके साथ में, किसके साथ जुड़ेगा वो जुड़ेगा एमआरएनए के साथ में। किसके एमआरएनए के साथ जुड़ेगा वो जुड़ेगा नेमेटोड का एमआरएनए उसके साथ। दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए विथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड वुड बाइंड टू द एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। एंड जैसे ही नेमेटोड का ये सिंगल स्टैंडर्ड जो एमआरएनए था, अगर मैं उसको जोड़ देता हूं इस नए वाले आरएनए के साथ में, नए वाले आरएनए के साथ में, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यहां पर ये जो एमआरएनए था वो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंड हो जाएगा। देखो ये डबल स्टैंड जो एमआरएनए है, जो डबल स्टैंड आरएनए हमने बनवाए डीएनए डाल करके, वो सेपरेट होंगे और उनमें से कोई एक स्टैंड यहां पे जाके जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ेगा हमारा एमआरएनए क्या हो चुका है, हमारा एमआरएनए बन चुका है डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये चीज आपको एकदम याद कर लेनी है कि जब भी आपके पास में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, जब भी आपके पास में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, उसका ट्रांसलेशन हो पाए
या नहीं. वी विल फाइंड दैट अवर प्लांट और एनीथिंग अगर उसको ट्रांसलेशन करना है तो उसको एमआरएनए चाहिए और वो एमआरएनए होना चाहिए सिंगल स्ट्रैंड का. सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए होना चाहिए था, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन रहा है. और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनने पर बेटा आप देखोगे कभी भी और कभी भी ट्रांसलेशन हो पाएगा नहीं. मतलब अगर ये निमाटोड से मानो ये मेरे प्लांट की रूट थी, ठीक है, और ये मेरा निमेटोड है, ये मेरा निमेटोड है. अगर ये निमेटोड अपना ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ का आवाज अभी बराबर है क्या, क्या अभी भी अटक रहा है? समर देखना आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता मुझे. ओके, जयराम प्रसाद जी हाय, कैसे हैं आप जी. जो निमाटोड होते हैं अगर वो अपना प्रोटीन ही नहीं बना पाएंगे इस रूट के अंदर तो उनका इंफेक्शन बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा. और अगर इंफेक्शन ज्यादा नहीं फैलेगा तो आप क्या देखोगे, हमारा जो तंबाकू का पेड़ था उसकी प्रोडक्शन क्या रहेगी, ऑल राइट रहेगी. तो हमने क्या किया था, हमने ये पूरा जो समझो हमने जो पूरा प्रोसेस पढ़ा इसमें हमने क्या किया, देखो मैं आपको वापस ये पूरी पूरी चीज बताता हूं. देखिए आपने किया क्या है, लेट मी टर्न दिस इनटू ब्लैक फर्स्ट, जस्ट अ मिनट ना. आज बहुत दिनों बाद में समर्थ ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत दिनों बाद में, लाइक जैसे वो क्लास में पढ़ाता हूं ना वैसी वाली फीलिंग आ रही, बहुत दिनों बाद में. और ना क्या था वो ऑनलाइन में हेलो एम आई ऑडिबल करते करते दिमाग खराब हो जाता था, बट आज क्या है थोड़ा वो क्लास वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को. चलो इधर देखो, देखिए आपने क्या रखा, आपने ये चीज देखी कि आपका जो प्लांट था, ये प्लांट मान लो ये प्लांट है, ये सॉइल है बेसिकली. अभी दिस इज द सॉइल एंड हियर यू हैव रूट. यहां पर क्या हो रहा था, एक नेमेटोड आ जा रहा था जिसका नाम था मेलिडोजीन इनकॉग्निशिया. अब ये इनकॉग्निशिया, मेलिडोजीन इनकॉग्निशिया जब हमारे प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था उसकी रूट पर, तो धीरे धीरे क्या कर रहा था, इस प्लांट की प्रोडक्शन थी उसको लोअर दे रहा था. तो हुआ ये, हमारे पास रूट थी, रूट के अंदर इंफेक्शन आया. इंफेक्शन किसका आया रूट के अंदर, निमाटोड का आया. निमाटोड का नाम क्या है, मेलिडोजीन इनकॉग्निशिया. उसके वजह से ये इंफेक्शन, देख लो पहले इंफेक्शन हुआ था रूट में, ठीक है, उसके वजह से आपने क्या देखा, आपकी जो प्रोडक्शन थी टोबैको की वो क्या हो गई, कम हो गई, प्रोडक्शन लोअर हो गई. तो ये हमारी समस्या थी. हम इसका इलाज क्या कर रहे हैं नहीं तुम आ जाया करो, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि डेली बेसिस पे लाइव क्लास रखी जाए. डेली बेसिस पे लाइव क्लास होगा 11th और 12th का. तो टाइम मैं सोच रहा हूं कि टाइम क्या किया जाए, 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का किया जाए या फिर 10 से लेकर के 11:30 बजे तक का किया जाए, ठीक है. टाइमिंग का भी लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो मैं लाइव क्लास चालू करने वाला हूँ यूट्यूब पे, डेली बेसिस पर ही होगा, ठीक है. तो पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कवर होगा 11th और 12th का. पौने पौने घंटे की क्लास लगेगी और शायद संडे को लंबा क्लास चले, ठीक है. तो जो भी तुम लोग को लगता रहे, आप लोग को लगता रहे कि भैया 7 बजे का टाइम रखो सर या 10 बजे का टाइम रखो, तो आप बता देने का, तो अपने उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट करते हैं चीजों को, ठीक है. देखो हमारी प्रॉब्लम हुई, अब इस प्रॉब्लम को हमने समझा, अब प्रॉब्लम का इलाज समझते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं हम लोग. अरे ये दिख रहा है, ये जो लिखा है ये दिख रहा है, थोड़ा सा थिक लेते हैं. ओके, तो अभी हम क्या देखिए प्रॉब्लम का हम लोग क्या निकालेंगे, सलूशन निकालेंगे, ठीक है ना. सलूशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको जब ठीक करना होगा तो हम लोग इस पूरे इस निमेटेड को रोकना है मेरे को, इस निमेटेड को इन्फेक्शन फैलाने से रोकना है मुझे, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग तरीका यूज करूंगा. जिसमें तरीका मैं यूज करूंगा वो क्या होगा, मैं इस प्रोसेस के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए एक मेथड यूज करूंगा. हाँ नोट्स भी
का थोड़ा सा बस दो चार दिन रूटीन में आ जाने, रूटीन में आ जाने दे तू मेरे को, देखने तेरा आग जाता है इधर अपने क्या ना फ्री में देंगे। चल इधर इधर देख, नोट्स बना के ही होगा समर्थ, नोट्स बना के ही होगा, बट अभी दो चार दिन क्या थोड़ा सा एक बार रूटीन में आ जाने थे, वो बैठ बैठ करके मजा नहीं था, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले में हालत खराब हो गया मेरा, अभी एक बार ये होने दे, उसके बाद में तू देख तेरे को कैसे मजा देता हूं मैं पूरा। चल इधर देख, प्रॉब्लम आ गया, अब तू क्या कर रहा है, तू इसका सोल्यूशन निकालेगा, तुझे इसको रोकना है, तू क्या करेगा, एक मेथड यूज करेगा जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस प्रोसेस का नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर तू इसको बोलेगा आरएनए साइलेंसिंग, बोलेगा ना बेटा तू इसको आरएनए साइलेंसिंग, तू आरएनए साइलेंसिंग बोल रहा है उसका मतलब क्या है, तेरे को आरएनए को खत्म कर देना है, उसको चुपचाप बैठा देने का है। तो तेरे को यह समझना पड़ेगा कि इन्फेक्शन जो इसने किया मेरे जीन ने वो कैसे किया, उसका इन्फेक्शन कैसे हुआ, उसने क्या किया था, उसके यहां पे था एमआरएनए, उसके पास था एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए क्या कर गया, वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कर गया ट्रांसलेशन और उसने बना दिया एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो था ये उसकी रूट के अंदर क्या कर रहा था, आजू बाजू में फैल रहा था और उसकी रूट को मार रहा था, उसके सेल्स मर रहे थे, और हमने देखा कि उसकी वजह से जो मेरा प्लांट था इसकी जो जो प्रोडक्शन थी, इसकी प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी जो प्रोडक्शन थी मेरे प्लांट की जो पत्ता, वो मान लो पहले 10 किलो था साइज, क्योंकि उसकी रूट खराब हो रही है तो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो घट गई। अब मुझे यह करना था, मैं इस प्रोटीन को ही नहीं बनने देना चाहता हूं, मैं इस प्रोटीन को ही नहीं बनने दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्लांट के अंदर, मुझे इन्फेक्ट, मुझे लग रहा था कि इस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, दो प्लांट थे, एक प्लांट ये है, इसके बाजू में यहां पर एक प्लांट नंबर 2 भी था, तो मुझे डर था कि जैसे ये प्लांट की प्रोडक्शन घट गई, इस प्लांट के ऊपर इंपैक्ट ना आए उसका, तो मैं क्या करूंगा, मैं मदद लूंगा किसकी, एग्रो बैक्टीरियम की, मैं मदद लूंगा एग्रो बैक्टीरियम की। एग्रो बैक्टीरियम जो है वो क्या है, इसको यूज कर रहा हूं मैं एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं चीजों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तू सूरत स्टेशन पे उतरा, सूरत स्टेशन से उतर के तेरे को सचिन आने का था, तू चल के नहीं आएगा, तू ऑटो में बैठ करके सचिन आएगा, तो वो जो ऑटो वाला है वो क्या है, वेक्टर है। वेक्टर तुझे एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, वेक्टर के अंदर खुद के अंदर बहुत बदलाव आते नहीं है। तो अब ये एग्रो बैक्टीरियम के अंदर मुझे पहुंचाना था, उसकी मदद से मुझे पहुंचाने थे कुछ चीज, मुझे क्या पहुंचाना था इसकी मदद से, मुझे इसकी मदद से पहुंचाने थे जीन्स। कौन से जीन्स, ऐसे जीन्स जो नेमाटोड स्पेसिफिक रहे हो, जो नेमाटोड स्पेसिफिक रहे हो। नेमाटोड स्पेसिफिक का मतलब क्या, ये केवल और केवल इस मेरे जीन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, दूसरों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये ली प्लांट की रूट, ये प्लांट की रूट होगी, इसके अंदर ये मेरा बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया डाला। अब बैक्टीरिया डाला तो बैक्टीरिया के साथ जो जीन्स थे वो भी अंदर पहुंचे, और इन जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जीन जब वहां पे पहुंचे, जीन मतलब क्या होता है, जीन का मतलब होता है डीएनए। जीन का मतलब क्या बेटा, जीन का मतलब होता है डीएनए। ये डीएनए जो था ये अपने आप को ट्रांसक्राइब कराएगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहां पर आरएनए, आरएनए बनाएगा ये डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसके अंदर सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों होंगे। अब इनमें से कोई एक स्ट्रैंड क्या करेगा, तो यहां पर तैयारी बैठेगा इस के अंदर, जैसे ही नेमेटोड आएगा और वो अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, मतलब ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, ये जो यहां पे हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो उस आरएनए के साथ जाकर के डबल स्ट्रैंड बना देगा। और जैसे ही डबल स्ट्रैंड बनेगा, पंड्या समर्थ और जयराम जी, और भी अगर कोई नया है मेरे ख्याल से भी देखो, और बंदा कोई जुड़ा है, अगर आप नए हैं तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा मेंशन करिए, अगर आप पुराने हैं तो फिट्स वेल एंड गुड। तो जैसे ही हमारा एमआरएनए के साथ, नेमाटोड के एमआरएनए के साथ हमारा ये डिजायर्ड जीन का डीएनए बाइंड, आरएनए बाइंड करेगा, हम देखेंगे एमआरएनए का
ट्रांसलेशन रुक जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन करना होता है हमारे एमआरएनए को जाना पड़ता है कहां पर, उसको जाना पड़ता है स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में जब हमारा सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जाता है केवल तभी और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो हो पाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, इतना समझ बराबर है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो एक्सक्यूज मी, चलिए, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, और थोड़ा सा मैं इसको बेटा जूम कर लेता हूं। चलो, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके अलग अलग तरीके से चीजें बनवाएंगे जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होती हैं। तो यहां पर मेरे पास एक टर्म आएगा थेराप्यूटिक्स, हमारे पास आएंगे थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब ऐसी चीजें जो मेरी बॉडी को अगर कुछ डिफेक्ट था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे प्रेजेंट में बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे पास 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बने हुए हैं जिसके अंदर इंसुलिन आ रहा है। उसमें से वी आर हैविंग हाउ मेनी थेराप्यूटिक्स, वी आर हैविंग थेराप्यूटिक्स इन इंडिया। ओके, देयर आर इन टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स विच आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, आउट ऑफ देम 12 ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दे आर सोल्ड एक्टिवली। इंसुलिन उनमें से एक है, शायद आपके जान पहचान में भी कोई इंसुलिन कंज्यूम करता रहे। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और ये कैसे बनता है उसकी बात की जाएगी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसुलिन जो है वो होता क्या है और करता क्या है। तो हमारे पास एक भाई साहब है, लेट अस कॉल हिम पप्पू। हमारे पास पप्पू है, ये पप्पू जो था, ठीक है, ये पप्पू जो था, जब इस पप्पू को हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो पप्पू के पेट के पीछे एक छोटा सा ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। अब ये जो पैनक्रियास है पप्पू का, इस पैनक्रियास को मैं कहता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, आई कॉल इट एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई क्यों परेशान हो रहे हो, व्हाई इज इट नॉट इरेजिंग मैन, या इट गॉट इरेज्ड। तो वी कॉल एज अ हेटरोक्राइन ग्लैंड। द रीजन कॉलिंग दिस पैनक्रियास एज हेटरोक्राइन ग्लैंड इज उसके पास दोनों फीचर्स होते हैं, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। जब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस एसिनर सेल्स की मदद से, और जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से बिहेव करता है तो वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में से बनाता है क्या, इंसुलिन, पैनक्रियास और सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, तो मैं पप्पू को देख रहा था और मैं पप्पू को देखते देखते मैंने रियलाइज किया कि जो पप्पू भाई साहब है उनके अंदर ये इंसुलिन बन रहा नहीं है, ये इंसुलिन बनता नहीं। ठीक है, इनके अंदर इन पप्पू भाई साहब के अंदर इंसुलिन बन रहा नहीं है, और अगर इनके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा उसका मतलब ही विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन, वो एक बीमारी से ग्रहित रहेंगे जिसका नाम है क्या, क्योंकि बीमारी है तो लाल कलर से हम लोग, इनका इस बीमारी का नाम था डायबिटीज। तो सफरिंग डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज जो कंडीशन है वो एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, उसका कोई इलाज है नहीं, दवाइयां खाते रहो और जीते रहो। ठीक है, तो पुराने समय की बात है, ठीक है, 100 200 300 साल पुराने समय की बात है। तो पप्पू भाई साहब जो थे ना बड़े परेशान थे कि यार इंसुलिन का क्या किया जाए, कैसा किया जाए, हाइपोथेटिकल कहानी है, ठीक है, नथिंग टू डू विथ एनी लिविंग और डेड कैरेक्टर। तो ये जो इंसुलिन था ये गए डॉक्टर के पास, मानो आप जो भी अभी चार जने देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने लोग सब ठीक है, अभी जो भी चार जने देख रहे हैं उनमें से मान लीजिए एक तो मेरे मोबाइल में चल रहा हो, तीन जने देख रहे हो बेसिकली ये भी आप लोग, तो आप तीनों के तीन ही डॉक्टर हो, ठीक है, और ये बंदा आपके पास में आया इलाज करवाने, तो आपके पास
उस समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, अभी हम लोग पुराने समय में है अभी, तो उस समय मेडिकल साइंस जो था वो इतना डेवलप नहीं था। तो ये पप्पू आपके पास इलाज करवाने आया और आपको पता चला कि इसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो आपने क्या किया, आपने इसको भेज दिया स्लॉटर हाउस में, जिसको आप लोग बोलते हो कतलखाना। आपने उसे भेजा कतलखाने में और आपने उसे क्या बोला कि आप जाओ, आप उस बुचर को बोलो कि भाई साहब यू ऑफर मी द पैनक्रियास ऑफ हॉर्स, या फिर कैटल ले लो, भैंस का ले लो, यू कैन ऑल्सो टेक द पैनक्रियास ऑफ पिग, ठीक है। तो ये जो पैनक्रियास था वो आप मंगवा लेते थे और आप क्या करते थे, उस पैनक्रियास में से जो आउट ऑफ लैंगरहैंस होती थी उनमें से आप तीन प्रकार के सेल्स है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा का तो मेन फंक्शन है, बाकी जो तीसरी है उसको आप हटा दो। आप क्या करते थे, इस पैनक्रियास में से निकाल लेते थे इंसुलिन, ठीक है, आप निकाल लेते थे यहां से इंसुलिन, और ये इंसुलिन आप इंजेक्ट कर देते थे किसके अंदर, जो भी आपका पप्पू था उसके अंदर, और पप्पू कुछ समय के लिए ठीक हो जाता। फिर 10-15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में पप्पू को फिर से वही समस्या हो जाती, एक्सक्यूज मी, उसका इंसुलिन का लेवल गिर जाता और उसका जो जो जिसको हम बोलते हैं हाई हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता, उनके अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा थी वो क्या हो जाती, घट जाती, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता या तो हाइपरग्लाइसीमिया होता, डिपेंड ऑन व्हाट द कंडीशन विथ हिम वाज। तो अब ऐसा काफी समय चला, 10 बार 15 बार 20 बार ऐसा हुआ कि आपने उसको इंसुलिन गधे में से निकाल के दिया, कभी घोड़े में से मिला, कभी उसको सुअर में से मिला। एक दफा क्या हुआ, आपसे इंजेक्शन लेने के बाद में इंसुलिन की, पप्पू की तबीयत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, उसकी जो कंडीशन थी वो एकदम क्रिटिकल, बहुत हालत खराब हो गई उसकी। आप डॉक्टर थे और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब कोई पेशेंट खराब होता है उसकी हालत और आप उसकी वजह हो तो कुछ तो आपको एक्शन लेना था। तो आप गए मंदिर में, ठीक है, आप गए मंदिर में और आप भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठे कि भाई मैंने ऐसा इलाज किया, ऐसा हुआ, वो हुआ, वो मर गया, मरने की कगार पे खड़ा है मेरे वजह से। तो अचानक से भगवान प्रकट हुआ आपके पास, उन्होंने आपको क्या बोला, उन्होंने आपको बोला देखो इतना ज्ञान आप मत लो, इतना टेंशन मत लो, आप इतना समय है, ये है वह है, वो सब छोड़ो, आप परेशान मत हो, आप क्या करो, आप जाओ आप उसका पैनक्रियाज निकालो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कोई कैटल है उसका पैनक्रियाज निकालो, उस पैनक्रियाज में से आप बीटा सेल्स लो जो इंसुलिन बनाती है, उस बीटा सेल के अंदर से आप निकालो जीन, इस जीन को आप क्या करोगे, हेलो उदय यादव, हेलो हाय, आप क्या करो, वो जीन निकालो इस बीटा सेल्स में से जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को आप डालो एक इकोलाई में और इकोलाई के अंदर उसको आप एक्सप्रेस करवाओ, ठीक है, और यहां से आप इंसुलिन बनाओ और ये इंसुलिन बना बना के आप उसको लगाते जाओ। अब आप सुन रहे थे, आपकी ये जो बात थी, आपकी और भगवान की बात जो थी वो सुन रहा था एक गोरा व्यक्ति भी, एक व्यक्ति था जो अमेरिका से आया था, उसने देखा कि ये बंदा भगवान से बात कर रहा है, भगवान इसको जवाब दे रहा है, तो वो गोरा कान लगा के बात सुनने लग गया आप लोग की, ठीक है। अब वो गोरा यहां से गया अमेरिका, उसने ये चीजें अपने बच्चों को बताई, तो उसके बच्चों ने क्या करा, उसने उसके बच्चे जो है ना वो बहुत दिमाग वाले थे, बायोलॉजिस्ट थे वो लोग, तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था एली लिली, एली लिली, ठीक है, कंपनी का नाम है एली लिली। ये खाली अगर लिख रहे हो तो लिख, नहीं लिख रहे हो तो खाली कोई बात नहीं, खाली समझते जाओ, कंपनी थी एली लिली, ठीक है। चलो अगर ये एली लिली कंपनी पहुंचने तक आपको समझ में आया है तो मैं आगे जाऊंगा और मैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा आप लोग को। देखो इंसुलिन जो है ये बेसिकली मेरी बॉडी में फंक्शन क्या करता है, मेरी बॉडी में इंसुलिन जो था वो ये क्या करता था, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया करता था ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन स्टोर होता था मेरे लीवर के अंदर, ठीक है। तो इंसुलिन जो है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन के अंदर, इसके अंदर हमारी बॉडी में जब बनता है इमैच्योर फॉर्म में या फिर रॉ फॉर्म में, और इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। उदय एम आई नॉट क्लियर टू यू, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एम आई ऑडिबल, सुन पा रहे हो आप, अभी बराबर है क्या? हां जी उदय,
तो ये जो इंच हमारे बॉडी में बनता है ये कैसा होता है, इमैच्योर फॉर्म में होता है, और इसके अंदर तीन चेन होती है, ठीक है। इसके अंदर कितनी चेन होती है, तीन चेन होती है, ए बी और सी, है ना। इसके अंदर होती है तीन चीजें, ए बी और सी। उसमें से सी चेन जो है ये किसी काम की नहीं है, सी चेन जो है किसी काम की नहीं है। ये सी चेन क्या करती है, तुम समझो ऐसा कुछ रहता है स्ट्रक्चर, आप यहां पे इमेज देख पाओगे, बट मेरे अंदर क्या चुल जाता है ये ओके ओके ओके, झगड़ा मत करो भाई। ये मान लो ए चेन थी, ये सी चेन है, और ये वाली जो है ये कौन सी चेन है, ये बी चेन है। तो आपके पास में ए बी और सी चेन है, आप क्या देखोगे भाई अरे भाई साहब क्यों झगड़ा कर रहे हो बताओ, समर्थ और उदय क्यों बिना मतलब की बहस कर रहे हो, पढ़ो भाई, पढ़ने के लिए अपने बैठे हैं, बिना मतलब क्या ये हो रहा। समर्थ यहां पे ध्यान दे, तू स्क्रीन पे ध्यान दे, उसका नेट से तेरे को क्या मतलब है भाई। उदय अभी आपको आवाज बराबर आ रही है ना, तो चलो यहां पे देखो आप, आपके पास तीन चेन है ए बी और सी। उसमें से ये जो स्ट्रक्चर आप देख पाओगे, ये देख पाओगे केवल तब जब हमारा जो डीए हमारा जो इंसुलिन होगा वो इमैच्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये मैच्योरिटी अटेन करेगा, जब हमारा इंसुलिन क्या हो जाएगा, मैच्योर बन जाएगा, उस केस में आप देखोगे यहां से ये जो बी चेन आई मीन सॉरी मैंने गलत बना दिया ये चीज यार, इसको हटाओ यहां से जस्ट अ मिनट। इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोग बिना मतलब का बहस मत करो, बहस की वजह से यहां पर फिर प्रॉब्लम आ, तुम लोग को ध्यान दे, छोटे बच्चे हो तुम लोग हो नहीं यार। ये जो चेन है ये सी है बीच वाली, और इधर बी है, ठीक है। तो जब आप इंसुलिन को ऑब्जर्व करोगे इमेच्योर फॉर्म में, तो ए सी बी तीन चेन होती हैं। जब ये इंसुलिन मैच्योर हो जाएगा तो आप देखोगे यहां से जो सी चेन है वो उड़ जाएगी, तो कितनी चेन रहेगी, केवल दो चेन रहेगी, कितनी चेन रहेगी, केवल दो चेन रहेगी। एक चेन जो है वो तो रहेगी तुम्हारी ए, और दूसरी जो रहेगी वो कौन सी होगी तुम्हारी बी। तो आपके पास दो चेन आ गई यहां पर, एक तो चेन नंबर ए और एक चेन बी। यहां पर सी की जो चेन थी, जो सी चेन थी वो गायब हो गई है। मैं क्या देख रहा हूं, ये ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ये ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में है उसे हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड बोलेंगे बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक। तो हुआ यह है कि इंसुलिन इमैच्योर फॉर्म में थी, तो उसके अंदर तीन चेन हुआ करती थी, चेन ए, चेन बी और चेन सी, ठीक है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। उसमें से चेन सी जो है वो एडल्ट के अंदर जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है ना। मैच्योर इंसुलिन में चेन सी एब्सेंट होती है, और ए और बी जो चेन थी वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो जुड़ी हुई होती है किसके द्वारा बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब ये इंसुलिन जो हमने बनाया है, ये इंसुलिन जो हमने बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमुलिन। क्या बोलेंगे इस इंसुलिन को, ह्यूमुलिन, ठीक है। अब देखो तुम्हारी कहानी पे वापस चले जाओ, इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्लियर है जो जो यहां पर है अभी, समर्थ इंसुलिन पता है तेरे को, समझ में आ गया इंसुलिन, सॉरी समर्थ और उदय इंसुलिन पता चल गया बेटा, और भी जो भी जने अभी देख रहे हो आप लोग, आपको पता चल गया इंसुलिन का स्ट्रक्चर एक्सक्यूज मी, चलो नो जवाब, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये जो इंसुलिन का मैंने देखा, तब ये देखने के बाद में वापस हम पहुंचेंगे तुम्हारी कहानी पर। तो ये सब तो तुमने देखा, ये सब जो तुम्हारी वो एली लिली कंपनी वाले थे वो लोग अब इसमें लगे, ठीक है। एली लिली कंपनी लग गई थी कौन से साल में, 1983 में एली लिली कंपनी जो थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो चेन ए थी, ये ए चेन है
और ये बी चेन है, ठीक है। ये ए चेन पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की बनी है, तो उसके लिए इन्होंने जीन बनाया। दूसरा इन्होंने जीन बनाया चेन बी के लिए, के पास दे हैड जीन्स फॉर ए एज वेल एज चेन बी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया पहले तो प्लाज्मिड में, पहले तो ये जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए प्लाज्मिड में, और फिर प्लाज्मिड से इसको कहां पे डाल दिया गया, प्लाज्मिड को किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इनसाइड द वेल नोन इंजीनियर के, क्या बोलेंगे हम, व्हाट डू आई से, द बेसिक टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका नाम क्या था, ई कोलाई के अंदर इसको हमने रख दिया। अब ई कोलाई के अंदर जैसे ही डालेंगे हम क्या देखेंगे, ये चेन ए और चेन बी वाले जो जीन थे ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये जब एक्सप्रेस कर रहे थे तो हमने क्या किया, हमने इंडिपेंडेंटली चेन ए को आइसोलेट किया, उसी तरीके से इंडिपेंडेंटली चेन बी को आइसोलेट किया, और बाद में जो दो चेन हमको मिल रही थी ना, हमने क्या किया, इन दोनों चेन्स को ही, ये जो दोनों चेन मुझे मिल रही थी ना, मैंने क्या किया, इन दोनों चेन को कौन से बॉन्ड्स के द्वारा करूंगा भाई, मैं इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, समर्थ उदय और जो भी जने हैं, इनके बीच में दो बॉन्ड्स आते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है इनके बीच में, तो दिस येलो कलर दैट यू सी इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड, PHIDE लिख लो, FIDE लिख लो, बात एक ही है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया मैंने इनके बीच में। क्लियर है इतनी कहानी, इतनी कहानी क्लियर है बेटा सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थियोरी में तो बेटा केवल यही चीज दी हुई है, ठीक है, तो वी विल एक्चुअली स्टॉप हियर, ठीक है। चैप्टर जो है ना वो आधे से ज्यादा, आधा चैप्टर हो चुका है अभी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रात को वापस एक क्लास लगाएंगे, तो अगला जो क्लास लगेगा दैट वुड बी एट 10 o'clock एट नाइट, 10 बजे से लेकर चलेगा क्लास, और ये चैप्टर रात को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाँ समर्थ, हाँ, तो वी विल स्टॉप हियर। उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो में बताया और जो भी डिस्कशन हुआ वो आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट बैक एट 10 o'clock एंड कल से डेली बेसिस पर 11th और 12th के लाइव क्लासेस चलेंगे रात के समय या फिर शाम के समय, जो भी जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगता रहे। हेलो अब्दुल, हेलो, गलत टाइम, थोड़ा सा लेट आया बेटा तू। तो डेली इन द इवनिंग वी विल हैव क्लास, लाइव क्लास ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर थियरी पढ़नी है, और सैटरडे को जितना भी वीक में पढ़ा होगा उसका रिवीजन होगा, एंड संडे को आपको, अगर आप लोग चाहो तो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट इट, जो भी है, एज एन एज इट एज एन लाइक हाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट इट, मैसेज कर देना, ईमेल दो, मैसेज कर देना, ले नंबर लिख ले, समर्थ में नंबर भेज रहा हूं, तुम एक व्हाट्सएप वाला ले, 8160445706, ठीक है। तो समर्थ, कोई बात नहीं अब्दुल, तो समर्थ वी विल, एंड एनीबडी हु वांट्स टू बी बैक, यू कैन बी एट 10 o'clock, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू विल फिनिश दिस चैप्टर इन द इवनिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।